ये अफगानिस्तान पहुंचते ही पहला मशरूब, क्या नाम है इस शरबत का? गुड़ वाला शरबत। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ताजिकिस्तान का बाय रोड ट्रिप स्टार्ट हो चुका है, घर से निकल चुका हूँ इस्लामाबाद के लिए। सुबह इस्लामाबाद से जाके ताजिकिस्तान का वीज़ा लेना है। अभी ये रास्ते में गाड़ी रुकी है, कल मैं इस्लामाबाद में पहुँच चुका हूँ। ये फैज़ाबाद अड्डा है फैसल मुअर का, तो करना है कि नाश्ता करना है और मैंने अपना पासपोर्ट अफगानिस्तान की एम्बेसी से उठाना है, ताजिकिस्तान की एम्बेसी जाना है, वहाँ से ताजिकिस्तान का वीज़ा लेना है और इंशाल्लाह फिर ताजिकिस्तान के लिए सफ़र करते हैं। और एक चीज़ और, एक ख़ास पर्सनैलिटी मेरे साथ जा रही है इस बार, उसको भी आपके साथ मिलवाता हूँ, यकीनन आप उसे जानते होंगे। जिनका इंतज़ार था वो जनाब आ गए हैं, आपको उनसे मिलवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरे साथ एक पर्सनैलिटी जा रही है जमशेद कौर साहब, मैंने आपको उनसे मिलवाया। अभी चल रहे हैं नाश्ते के लिए, नाश्ता करते हैं फिर अफगानिस्तान की एम्बेसी चलेंगे, वहाँ से अपना पासपोर्ट उठाएंगे और ताजिकिस्तान की एम्बेसी चलेंगे। की खिला रहे हो फिर सानू? की खिला रहे हो? जो कुछ तुसा खादा होगा। नाश्ता मैं थोड़ा इंतजार किया, मैं कट्ठे तुसी आओगे तो फिर कट्ठे नाश्ता करांगे। क्यों कुछ तुसा आके बादशाह? बस इतो ही फिर हल्का फुल्का कुछ कर लेने। ये जी रेस्टोरेंट पे आ गए, यहाँ से नाश्ता करते हैं। चने हैं, सात पराठे हैं, चाय मैं तो नहीं पीता, जमशेद भी आप पीते हैं? पक्की। मैं वजह ये है कि वैसे भी चाय शौक से पीता हूँ। अच्छा। और पाकिस्तान में शायद ये आखिरी चाय होगी। हाँ पाकिस्तान में तो आखिरी है, ताजिकिस्तान वहाँ पे नहीं मिलती, ताजिकिस्तान में भी नहीं मिलेगी। वहाँ पे कहवा पठाना गर्म पानी कर कर पत्ती सेटी है, कहवा छिकी है, ऐसी कहवा पीनी है बंदा बीमार हो गए। सही गल है, उस तो इलावा नहीं। बहरहाल चलो नाना भी एक अपना अच्छा कल्चर है। चले बेस्ट है, चलेंगे नाश्ता करके चलते हैं। अभी मैं अफगानिस्तान की एम्बेसी के बाहर हूँ, वीज़ा मैंने 8 दिन पहले जमा करवा दिया था, पासपोर्ट मेरा मिल गया है। जब हम जमा करवाने आते हैं ना तो सुबह का टाइम होता है, और जब पासपोर्ट लेने आते हैं तो शाम का टाइम होता है। तो पासपोर्ट हमें कल मिलना था, मैंने बंदे को दे दिया था, टोकन दे दिया था, उसने ले लिया, आज सुबह सुबह मैंने आके पासपोर्ट ले लिया। और ये यहाँ पर माहौल है, ये लोग जो बैठे होते हैं ना, इनमें से किसी को भी अगर आप दे देंगे टोकन दे देंगे तो वो आपका पासपोर्ट उठा लेंगे। पेशावर में पहुंच गए हैं, ये कमरा लिया पेशावर में। वो कहते हैं ना होता वही है जो अल्लाह को मंजूर होता है, इंसान की सोच पूरी नहीं होती। हमने सोचा ये था कि ताजिकिस्तान जाएंगे बाय रोड और आप लोगों को भी ताजिकिस्तान के मज़े मज़े के जो वीडियोस हैं उससे लुत्फंदोज करवाएंगे। जमशेद भाई का वीज़ा लगा नहीं है, उनका वीज़ा रिजेक्ट हो गया है। रीज़न क्या बनाई है? सिर्फ दाढ़ी। उन्होंने बोला कि आपकी दाढ़ी है इस वजह से आपको वीज़ा नहीं दिया जा सकता। अब क्या कर सकते हैं, इसी में बेहतरी होगी, जो अल्लाह को मंजूर हो उसी पर राजी होना चाहिए। तो हमने फैसला किया कि अफगानिस्तान का ट्रिप कर लेते हैं, ताजिकिस्तान के लिए अफगानिस्तान का वीज़ा लगवाया था तो अभी अफगानिस्तान का ट्रिप कर लेते हैं। तो अभी पेशावर में रुके हैं, चलते हैं बाहर खाना वगैरह खाते हैं। ये कितने का प्लेट दे रहे हो? 150 वाला, 200 वाला, 100 वाला, 300 वाला। और ये कितने का दे रहे हो? एक हिसाब है, एक हिसाब है। ये लोबी है? ये लोबी है। चलें पेशावर में शाम का खाना खाते हैं। चले पढ़ो बिस्मिल्लाह। आज हमें दूसरा दिन है पेशावर में और अभी हम निकल रहे हैं अफगानिस्तान। अभी नाश्ता कर लिए और टैक्सी लेते हैं यहाँ से
अफगानिस्तान की तरफ ट्रैवल करते हैं। सुबह का टाइम है और ये पेशावर का नज़ारा है। ये बस अड्डा है, यहाँ पर आपको फ्लाइंग कोच वगैरह सब किस्म की आपको टैक्सी मिल जाएगी। पीछे ये होटल है जिसमें हम रुके थे, ये वाला। तरफ पहले भी मैं अफगानिस्तान जा चुका हूँ, लेकिन बदकिस्मती से आपको जैसे पता है कि वीज़ा ना मिलने की वजह से दोबारा अफगानिस्तान का ट्रैवल कर रहे हैं। तो इन हालात में जैसे कि तालिबान महाजरीन को पाकिस्तान से निकाला गया है, तो अब क्या अफगानिस्तान जाना सेफ है या नहीं है, क्या होता है हमारे साथ, चलिए बनी रहिए हमारे वीडियो में, देखते हैं कि अफगानिस्तान में हमारे साथ क्या होता है। क्योंकि आजकल किस्म के हालात है, महाजरीन को निकाला गया यहाँ से और तालिबान और अफगान लोग हमारे साथ कैसा बिहेव करते हैं, तो इस वीडियो में देखिएगा ज़रूर। ये टैक्सी है जिसमें हम बैठ रहे हैं, 1500 कर रही है हमारा साथ आता है, ये 500 जा रहे हैं, तुम 1500 में किधर जा रहे हो? अस्सलाम, कैसे? ऐसे चाचा नहीं कर रहे, ठीक है सर, आठ रहा कर रही 1500 है उस कमर से, लेकिन फ्री जा रहे हैं, ठीक है। वो वाले कितना किराया बोला? 1500 एक बंदे का, 1000 पे नहीं बोल रहे आजकल, तो 1000 में कहते चल रहे जमशेद भाई, चल लास्ट टाइम जब हम गए तब 1000 रुपया दिए था, अभी बोल रहे कि 1500। ये टैक्सी है जिसमें हम बैठ के जा रहे हैं। ये लंडी कोतल बाजार है, ठीक है, और ये टिकटॉक पे भी ट्रैवल में आसान एक ही नाम है। ये कितने का नान बनाते हैं? ये 30 रुपए का, ठीक है। ये जी लंदी कोतल का बाजार है, मैं हूँ इस वक्त अफगानिस्तान के बॉर्डर पर। प्लान नहीं था, लेकिन अभी मेरा दिल बहुत धक-धक कर रहा है क्योंकि अचानक से प्लानिंग बनी कि अफगानिस्तान जाना है। वो कहते हैं ना, वही होता है जो अल्लाह को मंजूर होता है, अल्लाह की रजा है, तो ठीक है चलते हैं। अभी यहाँ पे टैक्सी स्टैंड पे पहुँचे हैं, पैसे वगैरह चेंज करवाने हैं, करेंसी चेंज करवा के देखते हैं आगे क्या सूरत हाल है। इस बार जब मैंने पैसे चेंज करवाए थे तब रेट था 246, अभी हमें रेट मिला है 255 का। यहाँ से पैसे चेंज करवा रहे हैं, ठीक है रमेश साहब। जब भी यहाँ पर आते हैं, अगर आपके आना है तो पैसे चेंज करवाने के लिए पहले बोलते हैं लोगों से पता कर लीजिए, जिसका रेट सही होगा उसी से आपने पैसे चेंज करवाए। ऐसा नहीं है कि एक ही से पूछ के आपने चेंज करवा दिया। ठीक है जी, अफगानिस्तान के लिए कोई पैगाम आपका, कोई प्यार मोहब्बत? अफगानिस्तान ठीक है, ठीक है, अच्छा अमल के चले, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। ओके ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज़। पैसे चेंज करवा लिए, आप चलते हैं बॉर्डर की तरफ। वेलकम टू अफगानिस्तान, ऑफिशियली मैं अफगानिस्तान में एंटर हो चुका हूँ। ये अफगानिस्तान का मेरा दूसरा टूर है, ऑफिशियली मैं एंटर हो चुका हूँ। अभी टैक्सी में बैठे जो लोग यहाँ से पहले पाकिस्तान चले गए थे, उधर से जो वापस आ रहे हैं उसके लिए। ये जो बाग है, ये जैतून का बाग है, ये दरख्त आप तो देख रहे हैं ना, ये जैतून का बाग है। दरमियान इसके नीचे जमीन में जो है ना चावल की फसल है और गन्नों की अभी क्यों कटाई नहीं हुई। अस्सलाम वालेकुम, संगे जोड़े कह रहे
ये अफगानिस्तान पहुंचते ही पहला मशरूम, क्या नाम है इस शरबत का? गुड़ वाला शरबत। ये अफगानिस्तान पहुंचते ही पहला मशरूम, क्या नाम है इस शरबत का? गुड़ वाला शरबत। अस्सलाम वालेकुम, संगे जोड़े बात होगी आपकी? उर्दू उर्दू पूरी कम कम पूरी बात होगी उससे? बात अमीर साहब से? अमीर साहब कितना? 40 के ऊपर भाई। 40 चालीस ठीक है। करीम भाई के पास जा रहे हैं, बात हो गई है बच्चे वाले की, 40 रुपये बोले ना, 40 रुपये चलते हैं करीम भाई के पास। अस्सलाम वालेकुम, संगे जोड़े खैर है? माल्टा किस तरह दर्जन है? करीम भाई के लिए फल वगैरह लेने पे किलो में कितना? किस तरह किलो? 100 रुपये किलो। और केला? केला 80 रुपये। 80 रुपये 70 रुपये पीछे दर्जन बता रहे वो। अच्छा ये तो वड़ बताओ, आड़ू आड़ू सेब तो वड़ है, वो तो है। सेब किस तरह है? मन सेब मन भी नहीं है, एक 140। वो किस तरह? ईरानी? अच्छा ईरानी तो बेचेंगे 150 150 का 150 का वो एप्पल है ना, सेब 2 किलो ठीक है। 150 का आड़ू ठीक दे रहा है, वो भी 2 किलो। और 2 दर्जन केले का लेते हैं, 70 बोला, 70 70 150 हो गया वो भी। एक मिनट और ये कितने का बोला? 100 रुपये का संतरा ये? हाँ 100 का बोला ना, महंगा लगा है ये। हाँ ये और वो क्या साथ वाली, वो क्या फल है? माल्टा ने 1 किलो 100 रुपये। वो साथ वाला फल क्या चीज है? अलुकाट। अलुकाट वो कैसे बात सुनो, चीजें सारी लीनी है, रेट ठीक लगाओ, पीछे से छोड़ के आए हैं। रेट 60 60 किलो। वही गलियां वही घर, पुरानी यादें ताज़ा हो गई। आज से कुछ महीने पहले यहाँ पर आए अक्टूबर में, करीम भाई का घर आ गया, करीम भाई भी आ गए हैं, सब पुरानी यादें दोबारा से ताज़ा हो गई हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हो? याद है? कैसे हो? ठीक ठाक है, पुरानी यादें ताज़ा हो गई हैं। और सब खैरियत है? ठीक ठाक है शुक्र, ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह जी। वेलकम बैक टू अफगानिस्तान, दोबारा अफगानिस्तान में आ गए हैं, करीम भाई के घर पहुँच गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह खैर व आफियत से पहुँच गए हैं। आज के व्लॉग का यहाँ पे ख़त्म करते हैं और आगे जो भी अपडेट है आपको देंगे। अल्लाह ने के बाद।